नए साल की शुभकामनाओं के साथ आप सभी दर्शक मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज चलिए ले चलती हूँ आपको 1927 में मुंशी प्रेमचंद की नवल कथा निर्मला। निर्मला जैसा नाम वैसे गुण। निर्मला जो एक 15 साल की बालिका है, उसके पिता का नाम उदय भानुलाल, उसकी माता है कल्याणी देवी और उससे 4 साल छोटी उसकी बहन कृष्णा। उदय भानुलाल उसका रिश्ता तय करते हैं भालचंद्र सिन्हा के बेटे भुवन मोहन सिन्हा से, और भालचंद्र सिन्हा की पत्नी का नाम है रंगीली बाई। जब रिश्ता तय करते हैं उदय भानुलाल, कल्याणी थोड़ी चिंता में आ गई, क्योंकि इतना अच्छा परिवार यानि बहुत ज़्यादा खर्च। वह उदय भानुलाल को सलाह देती है कि अगर हमने सारा पैसा निर्मला की शादी में खर्च कर लिया तो हमारी छोटी बेटी कृष्णा को हम कैसे ब्याह पाएंगे। उदयलाल अपनी पत्नी की इस बात से बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वह गुस्से में आकर वहाँ से चले जाते हैं। जब वह दूसरे गांव जाते हैं तब अपने पुराने कपड़े नदी किनारे छोड़ देते हैं ताकि कल्याणी को ये सबक मिले कि वो अब नहीं रहे। बहुत साल पहले उदयलाल ने मैथ्य नाम के एक आदमी को सजा दिलवाई थी। वह उनसे बदला लेना चाहता था और जैसे ही उसे पता चला कि उदयलाल अकेले दूसरे गांव गए हैं तो उसने वहां जाके उनको मार डाला। जब सिन्हा परिवार को उदयलाल के मृत्यु के बारे में पता चलता है तो वो अपना रिश्ता निर्मला से तोड़ देते हैं, क्योंकि उदयलाल के न रहने से दहेज तो आने से रहा। कल्याणी अपनी व्यथा रंगीली बाई को पत्र लिखकर भेजती है। रंगीली बाई अपने पति और बेटे को बहुत समझाने की कोशिश करती है लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रही है। अब कल्याणी आर्थिक समस्याओं की वजह से निर्मला का रिश्ता निर्मला से बड़े तोताराम जो एक वकील है उनसे तय करती है। निर्मला की शादी उससे 20 साल बड़े तोताराम से हो जाती है। यहाँ तोताराम बड़े खुश है कि उन्हें एक युवा और इतनी सुंदर पत्नी मिली। वह निर्मला को बहुत ही रिझाने की कोशिश करते, उसे छेड़ते और कभी कभी तो उनकी बहादुरी की
झूठी कहानियां भी सुनाते। निर्मला सब जानते हुए भी खुश रहती, लेकिन वह सिर्फ तोताराम जी को आदर से ही देख पाती। धीरे धीरे तोताराम को ये एहसास हुआ कि उसे निर्मला का प्यार मिलने से रहा। कैसे मिलता? वो जो निर्मला के पिता के समान थे, पिता की उम्र के थे। तोताराम को पहली पत्नी से 3 बेटे थे, मनसाराम, जियाराम और सियाराम। और तोताराम की विधवा बहन रुक्मणी भी उन्हीं के साथ रहती थी। रुक्मणी से तोताराम का ये मायूस चेहरा देखा नहीं गया। वह तोताराम के कान भरने लगी। उसने मनगढ़ंत कहानी बनाकर तोताराम को एहसास दिलाया कि निर्मला और उसके बेटे मनसाराम, जो निर्मला से 1 साल बड़ा था, जरूर कोई संबंध है। तोताराम ये सुनकर क्रोधित हो गया और उसने एक गलत फैसला कर दिया। उसने मनसाराम को हॉस्टल भेज दिया। हॉस्टल का वातावरण मनसाराम को रास नहीं आया। वह बीमार होने लगा। धीरे धीरे इतना बीमार हुआ कि उसको अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। जब मनसाराम को खून की जरूरत थी, तब निर्मला ने ही उनको खून दिया था। भुवन मोहन को जब निर्मला की दुख भरी कहानी का पता चला, और तभी उसने फैसला किया कि उसके छोटे भाई की शादी वह निर्मला की छोटी बहन कृष्णा के साथ कर देगा। तोताराम को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन मनसाराम टीबी की वजह से गुजर गया। रुक्मणी दूसरे 2 बेटों को, जियाराम को और सियाराम को, यह एहसास दिलाती है कि मनसाराम की मौत की वजह निर्मला ही है। ये सुनके जियाराम को बड़ा गुस्सा आया और उसने निर्मला के सारे गहने चुराकर घर से भाग जाने का फैसला किया। वह घर से निर्मला के सारे गहने लेके चला गया। बहुत दिनों के बाद जब उसे एहसास होता है, तब वह उसकी मानसिक संतुलन खोने के कारण आत्महत्या कर लेता है। यहाँ सियाराम को एक ढोंगी साधु ने फंसाया और सियाराम उस साधु के साथ निकल पड़ा। तोताराम ने अपने 3 बेटों को खो दिया था। उसने मन ही मन में संकल्प किया कि 2 बेटों को तो मैं खो चुका हूँ, अब मैं सियाराम को घर वापस लाकर ही घर लौटूंगा। यहाँ निर्मला अकेली थी और भुवन मोहन फिर से उसकी जिंदगी में आया था। भुवन मोहन पश्चाताप बोलिए या एक
हृदयशील घटना की वजह से निर्मला के करीब आने लगा। उसकी बीवी सुधा, जो बचपन की निर्मला की सहेली थी, उसे ये बात का पता चलता है। तब सुधा बड़ी कठोरता के साथ भुवन मोहन की आलोचना करती है। भुवन मोहन कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, और यहाँ एक तरफ उसकी पत्नी थी और एक तरफ उसने जो निर्मला के साथ व्यवहार किया था, जिसकी वजह से आज निर्मला इतनी दुखी थी। ये सब न सहने के कारण उसने डिप्रेशन में आके आत्महत्या कर ली। ये सब दुखद घटनाओं के कारण और दुखी मन निर्मला अपने काबू में न रह पाई। उसका शरीर भी उसका साथ छोड़ने लगा था। वह बहुत बीमार होने लगी और तभी उसकी बेटी आशा को रुक्मिणी के हवाले सौंप कर वह गुजर गई। बूढ़ा तोताराम बहुत ज़्यादा बूढ़ा होकर घर लौटता है। पूरा परिवार बिखर चुका। रुक्मिणी को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ये कहानी निर्मला उस समय के हमारे भारतीय समाज का एक प्रतिबिंब है। अगर कोई युवा लड़की की शादी बिना दहेज होती है तो वो उस लड़की के लिए एक श्राप है। तो यही थी निर्मला की कहानी, उसके लिए एक श्राप। धन्यवाद।